तो हेलो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट को लेकर उससे क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का, चाहे वो कोई लिंक हो चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमें कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे। हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन का एक पैकेज जिसका नाम है क्यूआर कोड। पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो ये इंस्टॉल होगा। कुछ पैकेजेस पहले से, डिपेंडेंसीज पहले से इंस्टॉल हैं और ये इंस्टॉल हो गया। तो इसे क्लोज कर दीजिए और एक पाइथन फाइल क्रिएट करिए और शुरू करते हैं हम यहाँ कोड करना। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारा जो डाउनलोडेड पैकेज है। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सारे पैरामीटर्स पास करेंगे कि किस टाइप का हमारा जो क्यूआर कोड का बॉक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो क्यूआर कोड जो हमारा पैकेज है उसका एक इनबिल्ट फंक्शन होता है क्यूआर कोड, जिसको ध्यान से देखिए, सारे जो लेटर्स हैं क्यूआर सी वो तीनों कैपिटल हैं, तो उसको ध्यान से यूज करना। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि वर्जन, That is one. Box size जो कि होगा हमारा, अभी कुछ भी दे सकते हैं, मैं 10 दे रहा हूँ। उसके बाद by default इसमें border जो होती है 5 की होती है, तो आप mention भी कर सकते हैं। फिर हम जो भी हमारा data है जिसको हमने convert करना है QR code के अंदर वो यहाँ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरी जो channel की link है वो ले रहा हूँ और डेटा आ चुका है अब हमारे पास। अब हम करेंगे कोड डॉट ऐड डेटा, इसका इनबिल्ट फंक्शन है, ऐड डेटा कर देंगे, डेटा ऐड हो जाएगा इससे हमारे पास कोड का। फिर हम कोड से क्यूआर बनाएंगे, क्यूआर तो बन गया हमारा, लेकिन अब हमें इसकी इमेज भी बनानी है इस क्यूआर कोड की। तो क्यूआर कोड की इमेज बनाते हैं हम। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि हमें किस कलर से फिल करना है हमारे क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड को तो मैं ब्लैक, ऑब्वियसली हमने ब्लैक क्यूआर कोड जी देखे तो हम ब्लैक प्रेफर करेंगे। जो बैकग्राउंड होगा उसे हम वाइट फिल कर देते हैं। ओके Okay, it's not backfill, I think it's image dot save कर देते हैं। अब किस फाइल में सेव करना है, हम qr dot फॉर्मेट में आपको सेव करनी है। सेव करिए फाइल को qr dot save, सेव हो चुकी है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, फाइल को रन करिए। तो अभी एरर दे रहा है हमें क्यूआरसी एट्रीब्यूट में। चलिए देखिए, गलतियां तो होती हैं, तो चेक कर लेते हैं हमने क्या गलती करी है। ओके, तो क्यूआरसी नहीं होगा, क्यूआरसी कोड भी आएगा। वेरिएबल की जो स्पेलिंग मिस्टेक थी, टाइप मिस्टेक थी, अब इसे वापस रन करते हैं। यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं और ये हमारा क्यूआर कोड तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप स्कैन करके देखिए, आपको मेरे चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना है वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक किया नहीं है तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।